चिकन टिक्का ग्रेवी नाम सुनते ही और रेसिपी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनाना है। और मैंने इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट वीडियो के बीच में लिस्ट में कर दिया है, तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। चिकन टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। फिर इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर गर्म मसाला डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 नींबू मैरिनेशन के लिए डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, फिर मैं यहाँ पे 1/2 कप या 4 टेबल स्पून फेंटी हुई दही डाल रही हूँ। इसे हम फर्स्ट मैरिनेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि चिकन टिक्का अगर आप मैरिनेट नहीं करते हो तो फिर उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और मैं चिकन टिक्का ग्रेवी जो है कोल्ड फ्लेवर में बनाऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते हो बिल्कुल वैसा ही सेम टेस्ट आएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके लगभग 1/2 से 1 घंटा रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे तक आप मैरिनेशन में ज़रूर रखें। तो चलिए ये मैरिनेट के लिए रख दिया। 1/2 घंटे बाद मैं इसे देखिए ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब एक पैन में मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 1-1 पीस करके हम चिकन टिक्का जो हमारा है वो अच्छे से इसमें हम फ्राई करेंगे। इस तरह से सारे पीसेस इस पैन में हम लगा देंगे। इस तरह से मैंने सारे पीसेस लगा दिए हैं। अब इसको ढककर एक तरफ से 6 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे। 6 से 7 मिनट पर देखिए थोड़ा सा कलर आ गया है। अब इसे दोनों तरफ से इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी 6 से 7 मिनट तक अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हम कुक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से दोनों तरफ से बढ़िया कुक हो गया है। अब इसे हम एक कलछी या स्पून की हेल्प से टर्न कर लेंगे, बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। ये अच्छे से बिल्कुल पककर 80% तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसी समय हम इसको कोल्ड फ्लेवर के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में भुना एकदम अच्छे से जला हुआ कोयला लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के इस तरह से ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए अच्छे से स्मोकी फ्लेवर इसमें आ गया है। अब इस पैन को एक साइड में हम रख कर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही एज ए स्नैक्स खा सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अब हम इसके ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच शाही जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग और जीरा अच्छे से हमारा चटक जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। मैंने प्याज के साथ साथ थोड़ी सी लहसुन भी इसी तरह से चॉप कर लिया था, साथ ही साथ उसे भी ऐड कर देंगे और बढ़िया सा ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे, एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक का। क्योंकि प्याज जितना अच्छा से पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप प्याज भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। फिर मैं यहाँ पे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा कम या ज़्यादा आपको खाना है। अब फिर यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ पेस्ट, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई कर रखा है। फिर मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़े टमाटर के साइज़ लिए थे टमाटर, उसे अच्छे से प्योरी बना लिया है। इस तरह से इसे भी ऐड कर देंगे और बढ़िया मीडियम फ्लेम पर इसे भी हम भून लेंगे जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता है। ये अच्छे से भून रहा है, इसी समय हम मसाले भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ मसाले भी इसमें भुनते जाएंगे और टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है ये भी भुनता जाएगा, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और ये अच्छे से भुन भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ। बेसन मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि जब आप बेसन ऐड करते हो तो उसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। रेस्टोरेंट वाले भी बेसन ज़रूर ऐड करते हैं, तो इसे भी आप 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भून गया है, इसकी जो क्वान्टिटी थी ये बहुत कम हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, क्योंकि चिकन टिक्का का जो कलर होता है थोड़ा डार्क होता है। फिर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और फिर यहाँ पर मैं 1/2 छोटा चम्मच गर्म मसाला और 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल रहा है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम टमाटर प्याज की ग्रेवी के पेस्ट के साथ में भून लेंगे सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी
यहाँ पे मैं आधा कप के करीब में पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा अच्छे से पके और जो टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट डाला था वो और अच्छे से कुक हो जाए। जो हमने जिसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसका जो मसाला बचा था उसे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है तो आप इसे ज़रूर ऐड कर दें। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से आराम से 5 से 6 मिनट तक इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि मसाला अच्छे से ऑयल सेपरेट कर दे और बढ़िया से कुक हो जाए। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक मसाले का कलर कितना अच्छा आया है, ऑयल भी एकदम अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। बट हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे क्योंकि अभी इसे और अच्छे से पकाना है मसाले को। ये देखिए इस तरह से और भी मसाले की क्वांटिटी लेस हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मसाला पका कर तैयार करना है। फिर हमने जो इसमें चिकन भून के रखा था, पका के रखा था स्मोकी फ्लेवर वाला, उसे ऐड कर देंगे। और अब जैसा कि देख सकते हैं लुक वाइज कितना डिलीशियस दिख रहा है। आप यकीन कीजिए जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपको जितनी भी थिक या ड्राई रखना है ग्रेवी ये चिकन टिक्का तो उस तरह से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 कप पानी डाला है। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और इसका और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को इस तरह से तवे पे रोस्ट कर लिया है, क्योंकि जब आप भून कर कसूरी मेथी डालते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे और एक प्लेट में हम निकाल के रख लेंगे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ग्रस हो जा रहा है। और ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद ऑयल और अच्छे से ऊपर सेपरेट हो गया है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी क्रीमी और कितनी थिक हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब इसी स्टेज पर हम ये रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे इसको और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए। इसे अच्छे से स्पून से कर देंगे मिक्स और आप देखिए हमारा चिकन टिक्का जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो गया है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि खाने में सुपर टेस्टी लगे। चिकन लवर के लिए तो रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि सुपर टेस्टी बनती है इस तरह से आप मेरे तरीके से बनाओगे। और ये रही सारा इन्ग्रीडियंट सामान का जितना भी मैंने यूज़ किया है, मैंने इकट्ठे आपको दे दिया है ताकि जिससे भी इस रेसिपी को बनाने में आपको कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत ना आए, आप आराम से बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी चिकन टिक्का की रेसिपी, कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। आप इसे रोटी पराठे नान चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ खाने में सुपर टेस्टी लगते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में ऑल की नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जरूर आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।